कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कलेक्टर सभागार में बैठक। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि सड़कें गड्ढे मुक्त होनी चाहिए, यदि कोई भी लापरवाही हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाना है। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान की मीडिया प्रभारी रहे सानू के बीजेपी में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव सभी ने देखा और अब आप सभी लोग देखना आगे आगे कौन कौन भाजपा के सदस्य ग्रहण करता है और वह सौभाग्यशाली होगा जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। विभाग की समीक्षा बैठक करने आया हूं और जैसे कि आपको ज्ञात है पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की काफी सड़कें क्षतिग्रस्त रहीं और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है युद्ध स्तर पर काम किया जाए और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत आवागमन सुदृढ़ करने की पूरे प्रयास विभाग रात दिन मेहनत करके करेगा और आज यहां बिंदुवार समीक्षा होगी कि कितनी प्रगति हुई है, कौन सी सड़कें और टेकअप करनी है कार्य कराने के लिए। और ये स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर कोई कमी होगी या गुणवत्ता से कोई समझौता होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पहले भी एक तारीख तय की गई थी, आजम खान नहीं मैं बता खास मीडिया पे हमारे सानू है वो अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जो सबसे भरोसेमंद थे आजम खान। तो मैंने बताया ना कि यहाँ ये नया उत्तर प्रदेश और नया देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके 8.5 वर्ष का कार्यकाल और 5.5 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का, सभी विपक्ष के किले ढह गए हैं। आजमगढ़ का और रामपुर का उपचुनाव सभी ने देखा है और आप आगे भी देखिएगा कौन कौन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है और वो मैं समझता हूं उनका सौभाग्य होगा कि प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में काम करने का उनको अवसर मिलेगा। धन्यवाद।